देख लो भाई यो 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 लाड प्यारा नहीं बैठे हैं उस टाइम का तारी लव मैरिज है हां देख भाई और लव मैरिज है तेरे भाई सुपुर में गए थे देख लीजिए हां बिल्कुल राम राम जी हमारे नए व्लॉग में आपका स्वागत है और भैया आज हमारे साथ हैं मेरी बड़ी जेठानी जी हैं दिल्ली वाली ये दिल्ली रहा आकरे तो जब मैं इन सारे दिल्ली वाले तो हैं बिल्कुल तो वो आ जा रहे हैं हमसे स्पेशल मिलने के लिए राम राम जी नए व्लॉग में आपका स्वागत है बीच में बात काट दी रितु जी की क्योंकि ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा अच्छा फिर नो कोगे बोलती को नहीं अच्छा बात काटी है मैंने और भाभी बताइए काट नहीं दे मम्मी को डे होवे चलो भाई पहले तो इंट्रोडक्शन करवा दिया भाभी जी अपनी बड़ी भाभी खोजन है भाभी राम 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 और कैसे हैं ठीक है और वीडियो कैसी लगी अगर हमारी बहुत अच्छी है अच्छी लगा ना अपने बच्चे की तो अच्छी लगी मेरे को और देख सको कितनी दौड़ी दिखे मेरी भाभी माँ दर्शकान कर दे राम राम आज तो कर दे और जरा क्या कर दे क्या राम राम कर सुना नहीं ना कौन सुन किस को बोल राम राम क्या मैं टेलीविजन राम राम भैया मैं छोटी सास से देख लो हां छोटी सास ये तो प्यारी कर दे हां गेला गाने जाने बताओ भी तू कि मैं नहीं दादी ये है मेरे देवर देवरानी हां मेरे माता बराबर बिल्कुल हां मेरे बच्चे ये आन ये ले एक बार तो काली दिखने लग जाए मेरे को पूरी दिखने लग जाएगा नहीं ये देखा नहीं हां चलो भाभी आजकल तो जमाना चल गया लव मैरिज का नहीं अरेंज मैरिज होगी हाँ देख लो भाई क्योंकि भाभी ने पहली वीडियो में भी बता दी थी इसका नहीं इससे पहले इसके बेटे का भी लव मैरिज अरेंज मैरिज कर दिया नहीं और वो भी माचव से लेकर आ रही थी हाँ तो भाई अपना जो भाई है जो मनोज बेटा था मेरा वैसे तो खैर मेरे तो बड़ा हूँ तो उनकी भी लव मैरिज है तो देखो प्रेम विवाह करना कोई गलत नहीं है क्यों भाभी आज के टाइम पर तो बच्चों मिलकर ना रहो ये अच्छा है तो माँ कई दिनों बाद मिली है मेरी भाभी तक कैसा लगा आपने मेरी माँ की खास गबन है यार है ना एक के वो तो ये सास बहू है लेकिन उस टाइम पे एक के उम्र की है लगभग मान ले एक साल का बच्चा होता दोनों हमारा दो तीन साल का नहीं और अच्छा चलो भाभी नो तारो जो वीडियो देखो आप इसकी भी तुम भी बच्चे भी मारे हुए 5-7 दिन के अच्छा तो नो दा भाभी रितु की जो वीडियो नहीं आ रितु की वीडियो में तो सबसे खास बात की लग है रितु की वीडियो में खास बात ये लग है मारे बाला कैसे ना बेरा कोनी हां ये बोलती है पापा तू अब खेत में जागा हां पापा तू नहीं बोलते पापा खेत में जागा मम्मी आप क्या कर रहे हो बताओ आप क्या बोलते हैं अभी ये छोटी है वही सब पता कौन कैसे बोलते हैं हाँ। पहले तो ध्यान था खाली पढ़ाई में था हाँ। तो था इतना परिवार में ध्यान नहीं दिया परिवार में है तो पता नहीं कैसे बोलते हैं बाकी अपने एरिया में बात संभव ही जुगर है ज्यादातर मतलब आप अनु तू तड़ाक में बात कर लिया वो नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए है नहीं बाकी फिर भी एक आध बार निकल जाए नहीं मैं तो आप तो पढ़े लिखे हो सर्वे तो दिल्ली में रहे हो नहीं आ जाओ भाई अपना भाई सतपाल आ गया भाई और भाई बस भाई चलो भाई राम राम भाई राम राम भाई सारे दर्शकों ने राम राम कर दो राम राम भाई चलो भाई तो मेरे भाई है अपना लो भाई दे दे आशीर्वाद बुढ़ाला ना चलो अगर परिवार अपन ठीक से हां बिल्कुल ठीक से भाई चलो कैसी लगे अपनी वीडियो रह रही है एक बार अटक सीट भाई अच्छा हां दाऊ बुढ़े हो गया ये एक और बह लेंगे सही बात तो आज का व्लॉग तो खैर मेरे भाई ने चालू कर दिया था ये अपने बड़े भाई है मुलाकात भी करवा दी थी और पूछा कि
अच्छा भाभी नु कह है उस टाइम का तारी लव मैरिज है हां भाई लव मैरिज तेरे भाई स्कूल में बैठे देख ले अच्छा हां बिल्कुल बैठे और लव मैरिज करनी अरे पर मेरा भी करना है सुन सा हुआ था अच्छा बिल्कुल वही देख के आया था हाँ। उसने वो देखा और उसने ये मतलब फिट कर दी हाँ। तो सारा परिवार ने फिट कर दिया मेरी बात भी नुगा है तो पढ़े आगे स्कूल में गेड़े मारे आगे मोटरसाइकिल पे कुत्ते भी नहीं झूठ बोल रहे स्कूटर पर ही स्कूटर आ गया दाड़ आई फिर तो बतेरी घुमाई स्कूटर पे अच्छा भाभी आप तो लो मैरिज कर रही हो लो मैरिज है स्कूटर पर गए थे देखने हाँ। और मेरे पापा सगाई करना है उन्होंने कह दी थी बेटा पसंद ना हो तो हम आड़े बैठे जाके देख आ ना सही बात यहाँ गाड़ी खड़ी है जा देख आ बिल्कुल चलो बढ़िया नू तो कै साल हो गए भाभी ब्यान भाई साहब दोनों के ब्यान 35 साल हो गए भाई देख लो भाई यह हुआ मतलब 35 साल जीवन के एक दूसरे के साथ गुजार दिए और 35 साल में मतलब देखो एक दूसरे की शक्ल मिलने लग जाए मतलब 20-25 साल 30-35 साल जो एक दूसरे के रहने लग जाए नी तो एक दूसरे के साल का हो गया मैं हो गया 27 साल का 27 का हाँ देख ले बोलू से बड़ा मारा का पैदा है पैदा बिल्कुल हो बिल्कुल भाई मेरे देखो मेरे पिताजी की जो उम्र है यानी कि ये मेरे पापा और सतपाल दोनों डब्बी आपस में मेरी माँ और मेरी बाप ये दोनों डब्बा आपस में हो गया नहीं बात है बहुत से कई साल बना हाँ बिल्कुल ऋतु कैसा लगा मिलके भाई साहब आए बंदी जी आए बताओ अच्छा लगा भाभी जी और भाई साहब आए हैं घर पे दिल्ली से स्पेशल मिलने के लिए और दिल्ली आप गए थे भाभी बुलाओ थे आप गए नहीं फिर मेरा मेरा बाप फंड है गलत बात है वो तेरी गलती है ये आना चाहिए रीतु नोली जल्दबाजी है ना जी मैंने नहीं गई एक बार भी ये कुछ नहीं बोला थी गुड़गांव गए तो भी नहीं आया गुड़गांव गया बता बीच में मैं था कैंट में अच्छा कैंट में ड्यूटी अपनी हां दिल्ली कैंट में किले रुड़ गया तब भी नहीं आया जो इंडियन ओनली है हां हां फ्लाईओवर उतरा पालम वाला हां हां वहां पर ड्यूटी अपनी ना चलो अब की बार आऊंगा ना आपके पास स्पेशली आऊंगा मिलके ठीक है के करा मारे निकम्मा बालक है और बोलने के बाद भी लोग सोचेंगे और देखेंगे टाइम लगेगा जितना ना 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 भाभी ऐसी अब की बार भाई दिल्ली जावांगे तो भाई और भाभी भाई बता जी जी मैं भी 15 दिन आ जाऊं ना हां 15 दिन मान लो भाई है बिल्कुल आ भाई 15 दिन भैया का मेल मिलाप पहले जा आंदे जांदे देखे जा बिल्कुल बच्चे भी पहचाना ना तो बच्चे भी ना पहचानते ना ना जरूरी है भाभी टाइम मतलब है कि गांव की संस्कृति के साथ जुड़े रहना इतना बहुत जरूरी है भाई समय के अनुसार अगर भाई गांव में चक्कर मारते वो बहुत जरूरी है ठीक नहीं है बहुत जरूरी है बर्ताव वाला होता हमारे आज कई दिन तो लाग रहा हूँ पीड़ ना सही है मेरी भाभी ने कह दी 3-4 दिन लग गए सफाई करने का मकान की अरे भाभी जी बिल्कुल बंद रहो मकान अरे पक्के हो ना सही है चासो अच्छा नू दा भाई पाल देखो 35 साल हो गया अपने दोनों शादी का पवित्र बंधन बंधे मेरी भाभी की सबसे खास बात की लग गया आपने लड़ाई कर बड़ी ही बात पर घुट जाए बड़ी बात और के इसलिए उड़ जाए फौजिया का दिमाग हो बुद्धि के पीछे अच्छा उसको पकड़ने के लिए उड़ना पड़ता है देख लो भाई के दो रेनो का लग रही है फौजिया का दिमाग बुद्धि पाछा हो देख लो ऐसा हुआ है पर फौज के जा रहा है क्या तो फौज ना जी लगता तो कोई ऐसी बात नहीं चलो नू दाओ आप भाभी नू दाओ भाई ने तो बता दिया भाई आप गुस्सा कर ले वो ठीक है आप भाई की खास बात बताओ क्या बात है खास भाई की खास बात ये है परिवार में बैठ कर नहीं याद रहता है इनका क्या करना है क्या नहीं भाईचारा जरूरी है भाईचारा चाहिए बस अच्छी बात है यानी देखते क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ना बहुत बहुत बढ़िया देख लो भाई उस टाइम की इतने पुराने जमाना की लव मैरिज है ये हिसाब किताब था अपना परिवार एक जगह बिल्कुल मतलब एक लिमरा करते सारे
और एक ही मतलब उसमें घर घेरा में सारे के चूल्हे चढ़े तेरा तो रोड़ा पड़ रही है तो बिल्कुल भाई, क्योंकि हमारे आपको हवेली का टूर भी हम दिखाएंगे। अभी भी हवेली ऐसे ही है वो, क्योंकि तो वीडियो देखा गया मेरा भी भाई, साथ ही बताइयो मेरा भी नुका है सारी यार वीडियो देखे जा रहा था नहीं बिल्कुल अपने बच्चा की तो वीडियो देखेंगे एक डेढ़ बजे तक कैसा लगे वीडियो भाई अच्छा लगा तभी तो देखा ना तो क्यों देखा ना सही बात है लाइक भी तभी करी जाती है अच्छी लगती है देख लेती तू है ना एक दिल भी पक्का अभी मूड हो जाए ना अभी चलना है दिल्ली तो 3 घंटे में दिल्ली पाऊंगा रो भी मोटरसाइकिल अच्छा 3 घंटे में सही कोई हरकत नहीं यही होना चाहिए। हम दिल्ली से 4 बजे चले थे और यहाँ पहुँच गया 7:30 बजे सुबह सुबह का सफर शाम का शाम का आई थी शाम को ना सही बात है ये बोल रहे थे सुबह चलना मा सुबह नहीं चलना सुबह जाकर सफाई नहीं होगी रात को चलेंगे तो आराम कर लेंगे सुबह सफाई शुरू कर ना कि आपने वीडियो देख ली है और हमारी वीडियो किसी लगी तो कमेंट में जरूर बताइयो। आज हमारे साथ जो भाई साहब हैं और मेरी बड़ी जेठानी जी हैं वो आए थे घर पे और मतलब इनके साथ जो हंसी मजाक का बातचीत है वो कीन की लव मैरिज हुई ना भाई चलो बताऊं अरेंज मैरिज थी बहरा क्यों आकर पहले 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 शादी आकर प्यार बाद में आकर बिल्कुल ऐसे आकर नहीं पहले अच्छा जो बड़े सियाने जो मतलब ताऊ काके जो चाचे जो भी आकर जो पसंद कर लिया करता पहले लड़की ने कोई पसंद हुआ बड़ा बुजुर्ग कोई भी हाँ लेकिन है आजकल तो भाई लड़का लड़की एक दूसरे पसंद करने लगे क्योंकि पहले जो बड़े बूढ़े है वह मतलब एक तो कम हो गए शादी के बाद भी हमने 6-7 दिन के बाद देखे रहे अच्छा शादी के बाद 6-7 दिन बाद देखे ऊपर है अच्छा पड़ता पड़ता एक बड़ी बात है भाभी ने 6 दिन के बाद में मेरा पटा था ये इनके साथ शादी हुई पहली चुन्नी का पर्दा था ऊपर से चद्दर रहती अच्छा। पर्दा तो दिख रहा करती ना इन्हें नहीं बेरा था ये भाई साहब थोड़ी ना पर्दा कर रहे थे इन्हें तो बेरा था यार मेरी ना वो लगा के दे शादी के बाद वो शेरे का होता शेरे का वो है ना दस फल भाई आपका मतलब मुंह तो चेहरा कौन दिखा रहा है जीत मार दिए थे उन्हें तू करे कमरे के अंदर फेरे हो थे अच्छा गर्मी का जेठ का दिन ना कति अच्छा दाने उठते मेरी होगी सजावट चलो उस टाइम तो सजा थी माल्या मान गई सजा आग मजा जिंदगी भर की सजा देख ले भाभी आपका तो बड़ा बेटर नहीं आपका बेटर किस बात भाभी उन्होंने कहा हुआ था ड्रैग एक मिनट है देख भाभी ड्राइव से बस इससे फोन करे जाओ हां इट्स है ये भी 5 फोन कर लिए बिल्कुल नहीं उठाया कोई काम हो तो उठा लेना के जरूरत है मैं 10 मिनट किधर की उधर चला जाऊं तो बस के फोन पर फोन आओ अरे रोटी पानी खा लियो का पियो वाला रिलेशन तो है चलो भाई देखो दिल्ली छोड़ गांव में भी थानेदार की देखे जागे की ना सही चलो भाई देखो यो जो लाड प्यार हुआ अगर बड्डे का आपस में हंसी मजाक भी करे जा है
लेकिन असली मतलब दिल से एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बेशक कितना ऐसे मजाक कर दे लेकिन जितना लाड प्यार जो बढ़िया में हुआ करता नहीं, अब मन नहीं लगता कि वो आज की जनरेशन में इतना होगा क्या भाई। क्योंकि बड़े तो हंसी मजाक कितना ही कर लो फिर भी सहन कर लेंगे, लेकिन आज के टाइम पर जो भी तो इतनी हंसी कर लो आज के टाइम पर नहीं सहन होगी, है ना। अरे गोरे जी हाँ, पार्टी में चाय ले ले हैं तो नुकोगे सबसे बड़ी दुश्मन ये आ मेरी हाँ, अगर इस दुश्मन बगैर एक मिनट भी नहीं रहने देंगे। हाँ, देखो इस चीज को यूज ना करो डेली, इसको बिल्कुल नहीं पता भी ना बोल रहा हूं ना। हां बीस दिन में जो आदमी इतनी ड्रिंक वो करने वाले थे, जो आज महीना बीस दिन में पंद्रह दिन में तो के पार दुआई बात बस यही बात है दुआई उसका हाँ, हाँ, बताओ हम भाई मारा रोड़ा जी ये सबसे बड़ी दुश्मन दुश्मन बगैर एक मिनट भी नहीं रहते ना, ना सही ये है बेकार चीज मेरा क्या है। उन लड़ कितने लो वापस में छोटी मोटी लड़ाई या नोक झोंक बोल रहे पति पत्नी की। अच्छा जाए एक दो घंटे भी दूरी मान ले आप देखे एक घंटा हो गया था आपने दूर, फिर भी मेरा भाई का कल जाना था रखता रखकर जाता ना मैं नौकर था मैं दो थारी में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बच्चा ने। अच्छा अच्छा चार बजे इधर तो पेड़ काटने वाला आ जाएगा हाँ। मैं तो उसका चपट जा मैं तो आ जाए ये चाय बना दी ये जिंजर है उसके बाद आएगी मेरे जाने के बाद। ना सही है ये हंसी मजाक फोन कर रहा तो बोले आने लग रहे 5 मिनट। चलो भाई वीडियो देख लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारी जो भाई भाभी स्पेशल रिस्पेक्टेड है हमारे बड़े भाई भाभी दिल्ली से आई स्पेशली देख लो भाई यो 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 लाड प्यार आने बैठे हैं। तो देखो भाई मतलब कितना अच्छा लगा है लगभग 35 साल कितनी उम्र होगी भाई साहब आपकी भाई चमक देख ले भाई लगभग 55 साल की उम्र में भी और चेहरा का नूर देख लो चेहरे पर चमक देख लो आप अभी भी ऐसी लगा भाई मैंने 35-40 साल के ऐसा ही लगा ना अभी भी तो नौकरी और पिटनी भाई बारह साल बाकी। चलो चलो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें और हमारे भाई भाभी से मिलके कैसे लगा आप जरूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और रितु एंड अजय व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम जी।